अबे एक सेकेंड, 13 लाख डॉलर मेरे पास आ, रुक जा रुक जा, ये गाड़ी बेचू, 1 लाख, बता बता जल्दी कर जल्दी कर। अबे 23,000 में ले रही है, क्या करूँ गाइस, वेट करूँ क्या, रुक जाओ वेट। अबे दूसरी कस्टमर भी तो रुकी है, रुक जा इसकी प्राइस देखते हैं। अगर ये 25,000 से ऊपर, अब देखा मैंने बोला ना ये 25 में देगी, $30,000 लेके चली जा, इससे अच्छी डील तुझे कहीं नहीं मिलनी है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ गाइस, 29,000। अबे रुक जा रुक जा, पीछे कस्टमर खड़ी है, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, तू आई आई आ जा। अबे कहाँ जा रही है, इधर आ भाई, बता देख, उसने बहुत अच्छी प्राइस दी थी लेकिन तू उससे अच्छी। अबे निकल भाग, तेरी तेरी भैंस की टांग खाली, शक्ल मत दिखा यहाँ पर। ओके मैडम, आप बहुत अच्छी प्राइस दे रहे हो लेकिन थोड़ा सा आप बढ़ाओ, थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, बताओ। देखो आप 25 दे रहे हो, मैं मानता हूँ आपकी डील अच्छी है, लेकिन आप 27 में डन कर दो ना। नहीं नहीं मैडम, 28, देखो यार 27 में डन कर दो। अबे ये क्या चक्कर है, हाँ नमलॉक दब गया था, कोई बात नहीं। हाँ तो भाई 27 में, अरे मेरी जाने मन, निकल जाए यहाँ से। चलो भाई, हो भाई, देखो ये होता है गाइस बिजनेस का कमाल। मैंने शुरुआत की थी $1 million से, यानी कि $10 लाख से, आज अपने पास इस गेम में है $13,26,000। ऐसा करते हैं धंधा, ऐसा ही करते हैं धंधा गाइस। और एक सेकंड, 4 बजे ऑक्शन चालू होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ जरा नेबरहुड हो के आता हूँ, क्योंकि नेबरहुड में शायद अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आई होंगी। और एक सेकंड, टेस्ला ही है यार आज, क्या बात है, लेकिन टेस्ला बहुत डैमेज है मैडम। ईवी का, अबे बाप रे 60% डैमेज, देखो मैं तेरे बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन ये कौन सी है भाई, ये होंडा की लग रही है। अभी मेरे को एक मिनट के लिए लगा था निसान GTR है, लेकिन एक सेकंड, वो पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है, कौन सी, तो भी जरा वहां पर भी चक्कर लगाते, देखते कौन सी गाड़ी आ जाई है। वैसे गाइस यार मेरी, हाँ जो मैं चौथी गाड़ी की बात कर रहा था वो और कोई नहीं, निसान GTR थी। मैं, मेरा ड्रीम कार है कि मैं वो एक गाड़ी खरीद लूँ, लेकिन यार ये देखो ये गाड़ी वापस आ चुकी है, बताइए 35,000 में दे दो। अबे 3.5 लाख, पागल है क्या, निकल यहाँ से, दे दे चल, निकल निकल बहन, निकल बहन। भाई ये तो नहीं, ये देखो ये, इसको कहते हैं डॉज की रैम, रैम गाड़ी का नाम है। कोई अच्छी गाड़ी नहीं है क्या यार। और यहाँ पर देखो, देखते देखते 2 बज गए, 2 घंटे के अंदर अपना ऑक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और मैं सोच रहा हूँ ना वो टेस्ला खरीद ही लेते यार। ओके तो गाइस यार मैं क्या सोच रहा हूँ ना, टेस्ला ही खरीद लेते क्योंकि अच्छी डील में मिल रही है। और यहाँ पर एक सेकंड, BMW भी है, तो ये शायद अपने को अच्छी डील में मिल जाए, 20-30 हज़ार में मिल रही है तो मैं। अबे 10,000 में दे रहा भाई, भैंस की टांग दे रहे, 8,000 में दे दे बोल, इससे अच्छी डील तुझे मिलनी नहीं है कहीं पर। हाँ दे दे भाई, 8,500 भाई, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा मैं। यस, मुझे लगा ही था ये पट जाएगा, तू निकल। ओके तो गाइज उसको मैंने गैराज पे भेज दिया। यहाँ पर एक BMW बोला, टेस्ला थी, टेस्ला टेस्ला टेस्ला, ये रही टेस्ला। जल्दी से इस गाड़ी को लेके पहुँचना है मुझे ऑक्शन। देखते देखते 3 बज गए भाई, टाइम इतना फास्ट जाता है क्या। यहाँ पर 30,000 में बेच रही है, 25,000, इतनी ज़्यादा डैमेज है, ऊपर से EV, कहाँ पर चार्जिंग करवाऊँगा मैं। अरे ले भाई, बिक गई, चल भाई लेट्स गो। भाई यार ये गाड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी आवाज़ के लिए भाई बिल्कुल आवाज़ नहीं करती यार, ऐसे बोर होता है, पता नहीं ऐसे लगता है ना। एक सेकंड, ये कौन सी गाड़ी थी, नहीं 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 कोई तो घटिया थी, अपने को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चाहिए गाइस, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। एक सेकंड, मैं रास्ता गलत हो गया, ओहो हो हो हो, क्या स्किट मारती है। जब तक गाड़ियों में पॉप ना आए ना तब तक मज़ा नहीं आता गाइस, गाड़ियों में फट 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 आवाज़ आनी चाहिए, तब जाके गाड़ियों का असली रूप दिखता है। भले ही गाड़ी आपकी कितनी भी फास्ट हो, लेकिन जब तक पॉप ना बजे ना तब तक गाइस असली गाड़ी की समझ जिसको है ना, वो ये बात अंडरस्टैंड कर सकता है। देखते देखते 4 बज गए, और अपन एक काम करते, मेरे पास एक सीक्रेट है गाइस, ये किसी को बताना मत, ठीक है। अपन है ना गाड़ी बाहर आने से पहले देख सकते हैं अंदर कौन सी गाड़ी है, ठीक है। ये देखो, ओके ये कौन सी, तो भी SUV है नल्ली, अरे पोर्शी है भाई, मैं ले रहा ये पोर्शी। एक मिनट, पहली गाड़ी लगता है बाहर आ भी चुकी है, इसे छोड़ो, ये कौन सी है भाई, चलो भाई पोर्शी लेनी है मुझे। भाई तू एक काम कर, तू चली जा अपने गैराज पे, क्योंकि वहाँ पर तुझे रिपेयर भी होना है, ठीक है। रुक जा, गैराज पे चली जा, और मैं फटाफट से आज खरीदने वाला हूँ पोर्शी, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, टिकट दे दो सर, टिकट दे दो, 3 नंबर की गाड़ी मुझे चाहिए। अबे यार यू हैव ऑलरेडी, हाँ ठीक है, ओके चलो गाइस। तीसरे नंबर की जो गाड़ी है वो है गाइस, अपन थोड़ा चीटिंग कर लिए मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर आ चुकी है ऑडी
भाई 5,000 से शुरुआत है, बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ एक गाड़ी खरीद ही लेते हैं भाई, अच्छी प्राइस मिलती है। चलो लगा 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 बोली लगा ला भाई, कोई बोली नहीं लगा रहा। अबे मेरी हो गई, क्या बात है, अब लगाओ सालो बोली, अब दिखाता हूँ तुमको। ओ भाई 1,23,000, क्या बात है, मजा आएगा, लगाओ बोली लगाओ। ये ले भाई, ये ले भाई, मैं तो ऐसी बोली लगाऊंगा ना होश उड़ जाएंगे ये लोग के, भाई पैसे बहुत है अपने पास, लगाओ 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 लगाओ। डैम, दोनों गाड़ियां खरीद ली भाई, ये तीसरी कौन सी गाड़ी है पता नहीं कौन सी, अब बकवास है, मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन अपने पास अब दो गाड़ियां हो चुकी है भाई। इससे कहता है भाई किस्मत, किस्मत जबर है हमारी। डैमेज तो आई थिंक ऑडी थोड़ी सी डैमेज थी और ये भी थोड़ी सी डैमेज है, दोनों को रिपेयर करके, और मैं सोच रहा हूँ इस पोर्शे को ना एकदम भवाल में ऐसे रिपेयर, ऐसे ड्रिफ्ट किट वगैरह ये सब लगाएंगे ना, गाड़ी शोरूम की अपनी रौनक बढ़ा देगी। ओके तो गाइस यार हो चुका है ऑक्शन खत्म, और ये रही मेरी गाड़िया। अबे इसका मैकविल, छी भाई इसका मैकविल बदलना पड़ेगा, डैमेज बिल्कुल नहीं है, तो तू चली जा सीधे अपने शोरूम पे, और भाई तू चली जा अपने सर्विस सेंटर पे। ओके तो गाइस यार जल्दी से चलते हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि वहां पर अपनी दो गाड़ियां इंतजार करें, फटाफट से उन्हें सेल पे लगाते हैं। और गाइस पोर्शे को जरा मॉडिफाई करने का टाइम आ चुका है, तो लेट्स गो। एक सेकंड, अब मेरे पास है 11,25,000, देख रहे हो इतनी शॉपिंग करने के बाद, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदने के बाद भी अपने पास इतनी अच्छी अच्छी मतलब इतने सारे पैसे बचे, तो इस गाड़ी को मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। इस पे तो भाई बिल्कुल भी डैमेज नहीं, और कलर इसका जो भौकाल है ना मैं बता नहीं सकता यार, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक काम करते हैं इसे भी फटाफट से, अबे मैं बाहर कहाँ आ गया, जल्दी से साफ कर देते हैं। इससे गाइज हमें क्या करते हैं, EXP एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि गाइज हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदने में। और ये रात हो गई भाई, मुझे लगता है मेरी पोर्शे भी वहाँ पर बढ़िया तरीके से तैयार हो गई होगी, अपनी टेस्ला और पोर्शे दोनों भी तैयार है, तो मैं सोच रहा हूँ इनको अपने गैराज के बाहर फेंक देते हैं, टो कर देते हैं। अभी एक सेकेंड, ये गाड़ी कैसी बनाई है भाई, एक सेकंड यार, ये क्या किया इसने भाई, ये कैसी गाड़ी, अच्छा इनका, अबे यार मैं तो सर्विसिंग करवाना ही भूल गया, शिट यार गाइस, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो उसको सर्विसिंग के पैसे ही नहीं दिए थे, तो वो क्या रिपेयर करेगा यार, शिट, चलो कोई बात नहीं, ये काम अपन कल सुबह कर लेंगे। अभी के लिए गाइस इस गाड़ी को मुझे सर्विसिंग पे भेजना पड़ेगा, कल सुबह आएंगे और फटाफट से काम खत्म कर देंगे। अभी के लिए गाइस ये दोनों गाड़ी सेल पे लगाने, और ये कचरा पहले भाई, ये कचरे को ना मैं कहीं पर दूर फेंक के आऊँगा कहीं किसी दिन, जरा गाड़ियों को साफ कर लेते गाइस, क्योंकि गाड़ियों को साफ रखना बहुत ज़्यादा, एक सेकंड यहाँ पर भी कचरा पड़ा है भाई, यार ये कचरे वालों को क्या करूँ यार, मैं रुको यार जरा गाड़ी को आगे लेना पड़ेगा भाई, कितने कमीने लोग हैं पता है, कचरा गाड़ी के नीचे फेंक के जाते ताकि मेरा ध्यान ना जाए। ये देखो सालों की भैंस की टांग, ये देखो यहाँ पर कचरा पड़ा था, चल भाई तू चल। ओके तो गाइस यार फटाफट से करते हैं गाड़ियों को साफ, और ये देखो ये हो गई अपनी साफ बढ़िया तरीके से, और इस यार वाइट कलर है ना काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसे भी फटाफट से कर देते हैं साफ, क्लीनिंग इज मस्ट। ऑलराइट तो गाइस यार सामने देखो एक पोर्शे और एक टेस्ला है गाइस, तो दोनों गाड़ियों को अपने को करना है आज सर्विसिंग और बेचना भी है, तो फटाफट से चलते हैं गाइस। चल भाई पोर्शे को लगा दे काम पे $280, टेस्ला को लगा दे काम पे भाई $1,200, देख रहे टेस्ला बहुत महंगी है यार, बहुत महंगी है मैं बता रहा हूँ गाइस, मतलब खाली पीली की हाइप बना के रखी है, बाकी कुछ नहीं है गाइस। ओके तो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ अभी टैबलेट ओपन करते हैं और फटाफट से इन गाड़ियों का फोटो निकाल के अपने को बेचना है गाइस। पहली है ये ऑडी Q7, ये गया फोटो यार, एक सेकंड यार मैं ना जरा गैलरी में जाके फोटोज डिलीट कर देता हूँ, क्या है ना बहुत सारी फोटोज हो चुकी है, और मैं बहुत पिछले बार कंफ्यूज हो गया था क्योंकि अपने पास दो लैम्बोर्गिनी थी और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था गाइस, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा गाइस। ये देखो दो फोटोज निकाल दी अपन ने, अब जल्दी से चलते गाइस, अपनी पोर्शे हो चुकी है रेडी,